हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में जो है कितना फंड आया है सरकार के द्वारा और किस काम के लिए आया है। टोटल रिपोर्ट अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं, आपका जो मुखिया जी है वो कितना जो है फंड सरकार से मांगा है और कितना मांगा है, ठीक है, और किस काम के लिए मांगा है। टोटल रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन एक जो है सरकारी एप्लीकेशन है दोस्तों, जो कि एक पब्लिक के लिए खास तौर पे बनाया गया है। पब्लिक अपने फ़ोन से ही चेक कर सकता है कि मेरे गांव में कौन कौन सा कार्य चल रहा है या उसके लिए कौन सा फंड आया है और कितना पैसा आया है, ठीक है। पहले ये चीज़ नहीं था, तो अब जो है डिजिटल हो गया है, दुनिया सभी को पता है, तो आप हर चीज़ एक फ़ोन से चेक कर सकता है हर एक पब्लिक, ठीक है। अब मुखिया जी घोटाला एक रुपया भी नहीं कर सकता है, कर सकता है वो अलग तरीक़ा से करेगा, आप लोग ध्यान नहीं देंगे तभी करेगा आपके गाँव में। मान लीजिए कि नाला के लिए है 6 लाख आया और आपका जो है वहाँ पे 4 लाख खर्च किया, 2 लाख वो लोग रख लिया, मतलब कम मटेरियल देके। तो ऐसा बहुत सारा अभी जो हर गांव में ऐसा ही हो जाता है, मुखिया लोग यही करते हैं, तो खास करके यही होता है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अपने फ़ोन से आपके गाँव में कितना फंड आया, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर देता हूँ और प्ले स्टोर में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा ई ग्राम स्वराज, ठीक है। इसको जैसे आप यहाँ पे सर्च करके, ठीक है, जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे बिहार कर लिया, ठीक है, मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप 3 डॉट पे देख सकते हैं, ऑप्शन आता है भाषा बदले, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश भी कर सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे, ठीक है, मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, टोटल चीज़ इंग्लिश में। उसके बाद जिला मैं यहाँ पे दे देता हूँ बांका, ठीक है, और यहाँ पे मैं पंचायत समिति दे देता हूँ अमरपुर, ठीक है। उसके बाद मैं ग्राम पंचायत वहाँ अपना डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भदरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, जैसे सबमिट करूँगा यहाँ पे ईआर डिटेल्स आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ आ गया, इसका पूरा डिटेल, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से बैक पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं टोटल चीज़ आ रहा है, रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है फंड यहाँ पे 73 लाख है, ठीक है, इस पंचायत के लिए जो है 73 लाख फंड है। और इसमें जो है टोटल काउंट वर्क जो कराया गया है मुखिया के द्वारा वह 99 है, ठीक है, और उसके लिए जो खर्च बताया गया है वो देख सकते हैं टोटल 82 है, मतलब फंड इतना ही है लेकिन इतना खर्च बताया जा रहा है, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे ऑन गोइंग वर्क, ठीक है, यहाँ पर आपका काम कितना चल रहा है, जैसे 5 यहाँ पर काउंट कराया गया है जो कि अभी 5 काम चल रहा है, इसके लिए फंड जो है यहाँ पर 2,80,000 रुपया यहाँ पे मांगे, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट वर्क यहाँ पे नीचे आ रहा है, कंप्लीट वर्क जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप डिटेल और जानने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स पे जाना है, ठीक है। जैसे आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जिस भी गाँव से आए सब चीज़ का यहाँ पर आपको मिलेगा, देख सकते हैं। वार्ड नंबर 9 रामचंद्रपुर में या नंद कप प्री के घर से के पास कुआं का जीर्णोद्धार, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ लिखा हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसके लिए कितना फंड आया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका कॉस्ट जो है उसका जो है यहाँ पे 40,000 रुपया मांग है, ठीक है। और नीचे जैसे ऑप्शन आएगा देख सकते हैं यहाँ पे, इसी तरह बहुत सारा हर गाँव का हर वार्ड का है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे है वार्ड नंबर 1 गंगापुर, विपुल घर से पप्पू घर तक मिट्टी ईट और पीसीसी निर्माण, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। और इसका जो फंड आया हुआ है देखिए यहाँ पे, इसका जो 1,25,000 टोटल कॉस्ट, ठीक है, इतना यहाँ पे आया है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में और आपके समाज में किस प्रकार घोटाला किया जा रहा है और कितना वर्क किया जा रहा है, आप टोटल चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और खुल के आप मुखिया के सामने बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके गाँव में ऐसा हो रहा है कि घोटाला आपको लग रहा है तो आप जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और पता कीजिए कि आपके गांव में टोटल कितना जो है काम हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ हर एक समाज के व्यक्ति को पता होना चाहिए ताकि उसके साथ घोटाला ना हो, उसके लोगों के साथ उसका हक ना छीना जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।